हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मैपबुक में से अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को कैसे रिमूव कर सकते हो। अगर आपके पास दो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है तो आप उसमें से एक अकाउंट को कैसे रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने की प्रोसेस दोनों वर्जन्स में अलग अलग होगी। अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है तो प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और अगर आपके पास न्यू वर्जन है तो प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों वर्जन्स के लिए प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं आप ओल्डर वर्जन में कैसे अकाउंट को रिमूव कर सकते हो। सो आपको सबसे पहले अपने होम स्क्रीन पे आ जाना होगा। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको सिस्टम और प्रेफरेंसेस पे जाना होगा। आप नीचे की साइड मेन्यू के ऑप्शन से भी जा सकते हो या फिर स्पॉटलाइट पे सर्च करके भी जा सकते हो। सिस्टम प्रेफरेंसेस खोलने के बाद आपको यूज़र्स एंड ग्रुप्स वाले ऑप्शन पे जाना होगा। यूज़र्स एंड ग्रुप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आने वाला है। आपको बॉटम लेफ्ट साइड में एक पैडलॉक आइकन देखने को मिलेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके डिवाइस का पासवर्ड पूछेगा, आपको पासवर्ड एंटर कर देना होगा। उसके बाद आपको नीचे की साइड में ही प्लस माइनस का आइकन दिख रहा होगा, आपको माइनस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको अपना अकाउंट जिसे आप डिलीट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। माइनस के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये तीन ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सिलेक्ट द होम फोल्डर इन द डिस्क इमेज, डोंट चेंज द होम फोल्डर और डिलीट द होम फोल्डर। सो मैं डिलीट द होम फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा और डिलीट यूज़र पर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद आप देख सकते हो आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो चुका है। तो ये प्रोसेस थी आपके ओल्डर वर्जन्स के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके न्यू मैपबुक वर्जन्स के अंदर क्या प्रोसेस फॉलो होगी। तो मैं यहाँ पे अपने होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ ऊपर की साइड आपको एप्पल का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। सिस्टम सेटिंग ओपन होने के बाद आपको लेफ्ट साइड में बॉटम में जाना है और यूजर्स एंड ग्रुप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एडमिन अकाउंट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी एडमिन अकाउंट्स की। सो यहाँ पे मेरे पास दो एडमिन अकाउंट्स है, एपिचिप और एप्पल केयर इंदौर। सो मैं इस सेकेंड वाले को डिलीट करना चाहता हूँ। या नीचे के साइड आपको ऐड अकाउंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप किसी और अकाउंट को ऐड करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके वो चीज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने सेकेंड वाले अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक छोटा सा राइट साइड में आइकन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अलाउ दिस यूज़र टू एडमिनिस्ट्रेटर दिस कंप्यूटर। अगर आप वो चीज़ करना चाहते हो, इस यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हो, और नहीं तो आप डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये आपसे आपके डिवाइस का पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड भी एंटर कर देता हूँ। एंड नाउ आपके सामने वो तीन ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे, सेव द होम फोल्डर इन द डिस्क इमेज, डोंट चेंज द होम फोल्डर और डिलीट द होम फोल्डर। तो मैं पूरी तरीके से होम फोल्डर को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से जो मेरा सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट था वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को डिलीट कर सकते हो।